झारखंड हाईकोर्ट ने खुद कहा है, लिखकर भी दिया है कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और 5 महीने तक एक निर्दोष मुख्यमंत्री को जिनको उनके पद से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अयोध्या राम मंदिर की उपलब्धि पर आपने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पूरा देश हैरान है। अयोध्या हार जाने के बाद अपने सांसदों को संबोधित करते समय उन्होंने जय श्री राम को भूलकर सिर्फ जय जगन्नाथ कहा, क्योंकि जगन्नाथ में उन्होंने बीजेपी को वॉश आउट कर दिया। हमारे राज्य में लोग कह रहे हैं कि अब राम मंदिर की जगह जय जगन्नाथ का मंदिर बनाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से न जाने कितनी बीफ प्रोडक्शन कंपनियों से बीजेपी ने चंदे लिए चुनाव जीतने के लिए। के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। हमारे झारखंड में धरती आबा बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन पार्लियामेंट भवन में जिस तरह से महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को वहां से उठा के पार्लियामेंट के पीछे तरफ रख दिया गया है, उसी तरह से भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा थी उसको भी उसके स्थान से उठाकर पीछे शिफ्ट किया गया है और उनके खत को भी छोटा कर दिया गया है पहले से। इससे हमारा आदिवासी समाज दुखी है। इस पर माननीय महोदय आप कुछ कीजिए। आदिवासी समाज तब भी दुखी था जब इस पार्लियामेंट भवन के अभिभावक स्वरूपा आपको गृह प्रवेश के समय में आमंत्रित नहीं किया गया था। आदिवासियों के वीर शहीद बिरसा मुंडा को गुलाम भारत में अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, रांची जेल में। आज 21वीं सदी में आपकी सरकार ने हमारे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उसी तरह से रांची जेल में डाल दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने खुद कहा है, लिखकर भी दिया है कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और 5 महीने तक एक निर्दोष मुख्यमंत्री को जिनको उनके पद से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया, चुनाव से बाहर रखा गया एमपी इलेक्शन के दौरान, और उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, उनको मानसिक यंत्रणा दी गई, उनके परिवार ने सफर किया, और इसकी भरपाई कौन करेगा? माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी वही हो रहा है और इस तरह से पूरे देश में खेल चल रहा है। ये बदले की राजनीति को दूर कीजिए। माननीय गैर भाजपा शासित राज्यों में से भेदभाव बरता जा रहा है। हमारे यहाँ कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ के लिए बार बार कहा गया केंद्र सरकार को, वो नहीं दिया गया। वहाँ महिलाओं की तस्करी होती है, रोजगार का अभाव है, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, ये तमाम काम हो सकता था उस 1,36,000 करोड़ से, आप उसको नहीं दे रहे हैं। जीएसटी के पैसे राज्य को देने में आनाकानी होती है। 8 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया तो हमारी सरकार ने अबुआ आवास योजना लॉन्च की। राज्य को बिजली देने में आनाकानी की जाती है ताकि राज्य ठीक से काम नहीं कर सके। सरना धर्म कोड को पारित करके जो आदिवासियों की मांग है वर्षों पुरानी, झारखंड का से दिया गया लेकिन केंद्र सरकार उसे नहीं मान रही है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जो आदिवासियों की मांग है उसे भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी सरकार ने उसे भी पारित किया था। महोदय, आपने अभिभाषण में आपकी सरकार की लगभग सभी उपलब्धियों का जिक्र किया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अयोध्या राम मंदिर की उपलब्धि पर आपने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पूरा देश हैरान है। इसमें एक और बात कहना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी जय श्री राम का नारा लगाकर अपने सभाओं में बात करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद अयोध्या हार जाने के बाद अपने सांसदों को संबोधित करते समय उन्होंने जय श्री राम को भूलकर सिर्फ जय जगन्नाथ कहा, क्योंकि जगन्नाथ में उन्होंने बीजेपी को वॉश आउट कर दिया लोकसभा और विधानसभा से। तो इससे भी हमारे राज्य में लोग कह रहे हैं कि अब राम मंदिर की जगह जय जगन्नाथ का मंदिर बनाना चाहिए। मॉब लिंचिंग, हमारे सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार में बीफ को लेकर अल्पसंख्यकों के साथ न जाने कितने अत्याचार हुए, कितने घर जले, गाड़ियां जली, मॉब लिंचिंग हुई, हत्याएं हुई, मगर यह जानकर देश हैरान रह गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से न जाने कितनी बीफ प्रोडक्शन कंपनियों से बीजेपी ने चंदे लिए चुनाव जीतने के लिए। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी से लगभग 30 लाख नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक, परीक्षाओं में शुचिता बरतनी चाहिए। आपने पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी, हमारे राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी ने उसे लागू किया, वो बुढ़ापे की लाठी है, इसे पुनः इसे बरकरार किया जाए। अग्निवीर योजना में 4 साल में लोगों का भविष्य, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उन्हें फिर से इसको बदली करके पुरानी व्यवस्था लागू की जाए।